उनकी शादी हुई थी तो लेडीजें गाना गा रही थी। हाँ। तो वो गाँव की थी। हाँ। अच्छा आप लोग ही गा रहे थे। डिजाइन आप देखिए ये वाली, ये ईंटों की डिजाइन आपको सेम दिखेगी। ससुराल जा रही हूं। तो अभी हम पहुंचे हैं गोमती नदी के किनारे और यहाँ पे देखो एक पुल बना हुआ है। पहले ये जो पुल था ना, जब फिल्म की शूटिंग हुई थी तो पीपा पुल बना हुआ था, यानी लोहे के जो पीपा बोलते हैं जिसको, उनका ये पुल बना हुआ था। देखो ये पीपा ये पड़े हुए हैं, इस तरह के बज रहा है ना, इस तरह के पीपे का पुल था ये। देखो कुछ पीपे वहां पे भी पड़े हुए हैं, क्योंकि पहले पीपा पुल था ना, तो यहाँ पे देखो कुछ पीपे वहां पड़े हुए हैं, दो और शायद हटा दिए गए होंगे, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये पहले पीपा पुल था। इस साइड अगर हम जाएंगे, हम अभी बनारस की तरफ से आए हैं तो इधर बनारस है, और इस साइड अगर जाएंगे तो जौनपुर वाले रोड में मिल जाएंगे कराकत होते हुए। फिल्म का एक सीन यहाँ से लिया गया है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। देखो इस साइड में ये वाला जो रास्ता है, इधर से आती है नाउन चाची, इसमें देख रहा हूँ मैं। देखो ये है ना स्क्रीनशॉट, इसमें देख के बता रहा हूँ। तो इस साइड से नाउन चाची आती है और यहाँ पे पहले झोपड़ी टाइप की बनी हुई थी जिसमें खपरेल थी। अभी पूरे चारों तरफ मकान नए बन चुके हैं। और हाँ एक चीज आप देख लीजिए, ये नीम के पेड़ उस टाइम पे भी दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे नीम के पेड़ हैं, और जैसे कि अंकल जी ने हमें बताया था। अच्छा अंकल जी, जो जोगी जी वाला गाना हुआ था वो इधर ही हुआ था ना शूट, वहां पे? अच्छा, और ये जो नाउन चाची जहाँ से आती हैं, ये वाला, ये पहले यहीं पे था खपरेल वगैरह? ये सब खपरेल था ना, सब टोटल खपरेल था। अच्छा ये पूरा खत्म कर दिया? पूरा टोटल खपरेल था, किसी का पक्का नहीं था। अच्छा हाँ। अभी पूरा पक्का बना है। खाली वही जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो हमारे बड़े पिताजी का वही पक्का था और किसी का पक्का नहीं था, सब पक्का था। सारे ऐसे खपरेल वाले मकान, हमारे बड़े पिताजी का घर उधर। और जोगी जी वाला जो गाना हुआ था वो भी यहीं पे हुआ था? वहाँ वहाँ ऊपर आपका जो चबूतरा उधर। हाँ। उस जगह पे, अच्छा यहाँ पे हुआ था। और जो नाम चाची वो देती है ना लड्डू, लड्डू जहाँ देती हैं, तो वो लोग सारे बैठे रहते हैं, वो भी यहीं पे बैठे थे, जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट में देख रहा हूँ। देखो यहाँ पे बैठे थे वो, उस टाइम पे ये वाला कच्चा था पूरा, यहाँ पे भी खपरेल वाला मकान था और यहाँ पे उनका तखत पड़ा हुआ था जिसपे वो लोग बैठे हुए थे। अच्छा एक चीज दिखाएं हम आपको, जैसे हमने देख पाया है ये यार पपीता के पेड़ तो उस टाइम पे भी थे यहाँ पे और आज भी है यार। यहाँ पे 40 साल से पपीते के पेड़ खड़े हुए हैं, उस टाइम पे एक था, एक या दो थे, अभी तो कई सारे हैं। तो वो वाले सीन यहाँ से लिए गए थे, जैसे कि हमने अभी अंकल जी से भी बात की थी, हालांकि अंकल जी काफी देर में उठे हैं क्योंकि इनकी जो रीढ़ है ना उसका ऑपरेशन हुआ है, जिस वजह से ये बैठ नहीं पाते ज्यादा देर तक, तो लेट लेट के उन्होंने जो भी था बताया हमको। और गाँव के सीन लिए गए हैं तो आगे चल के वो भी आपको दिखाएंगे। गाँव की लेडीजों ने भी काम किया था उसमें? सब सब बाहर की थी, सब बंबई, चंदा और गुंजा, तो वो तो खैर मैन में ही थी। और जैसे मान के चलो उनकी शादी हुई थी तो लेडीजें गाना गा रही थी। हाँ। तो वो गाँव की थी? हाँ, हमने गाँव। अच्छा आप लोग ही गा रहे थे? हाँ, 40 साल हो गए उनके घरे हमने जोड़े, हमारे मतलब और आगे रहने और सबसे हमारे पीछे सुटनिया में ना है, तो हम गई रहे थे बहन ना जैसे। हाँ कि बाल नहीं तो मत कर, जैसे अपने शादी में ना ही पल्ली पंडित आई नाले मत कर, जैसे करते हैं चार दिन ना रुका लेने में समझ रहा। हाँ पापा लड़कावा जोगी जीवा, जोगी जीवा यही कुल होली जरूरत रहे। अच्छा इसी जगह पे? हाँ यही सब कुल लड़का रहना, अब तो बड़ा बड़ा। हाँ आप लोग तो बड़े हो गए, तो उस टाइम पे ऐसे छोटे छोटे थे ना। हाँ मजे मजे तो हो लोग मती रहना। हाँ वो जोगी जीवा अरे सुभाष का कुमन न चले रहना, राजेश बहुत राजेश सिंह न चले। हाँ वो बता हाँ कभी करने बड़ा रहना, वो मैं देखा छोड़ मन छोड़ छोड़। अब सब बड़े हो गए, अब तो सब बड़े हो गए, तब बच्चे थे ना सब। नहीं लड़के शादी हो कल यहाँ। अरे वही हमारे लड़के का जिसको बता रहा हूँ, उन्हीं के लड़के की कल शादी हुई, जो नाचे थे। हाँ। गाने में। हाँ। अच्छा तब इतने बड़े थे ना। हाँ हाँ अब उनके बच्चे की शादी हुई कल। हाँ ये वाला घर खपरेल लगा हुआ था ना, जहाँ पे वो बैठे रहते हैं, नाउन चाची आती हैं लड्डू देती हैं उनको। हाँ, नहीं लड्डू तो उधर से उधर से आती है ना निकलते हुए लेके। हाँ और यहाँ पे बायना देती हैं। हाँ। अभी हम उस रास्ते पे खड़े हुए हैं जहाँ से जब चंदन जो होते हैं गुंजा को अपने गाँव ले जाते हैं बैलगाड़ी में बिठा के, इसी रास्ते से आते हैं वो। तो जिसमें देखो अगर थोड़ा सा आगे आएंगे तो बताएंगे,
और ये घर वही है जहाँ पे गुंजा होली वाले दिन रात में मतलब छुपती हैं चंदन के रंग लगाने के बाद, यानी चंदन के वो रंग लगा देती हैं, उसके बाद वो सोचती हैं कि चंदन हमारे रंग ना लगा दे, इसलिए फिर वो इस घर में आके छुपती हैं। देखो उसमें क्या है, जब चंदन रंग लगाते हैं ना गुंजा के, तो ये वाली डिज़ाइन आप देखिए, ये वाली, ये ईंटों की डिज़ाइन आपको सेम दिखेगी, ये वाली इस टाइम पे। और जब वो बैलगाड़ी उनकी निकल के जाती है, तो एक लोग देखो उस कुएं पे ना पानी भर रही होती है एक लेडीज, उसमें आप देखें तो वो वाली जो डिज़ाइन है ना मकान की, वो डिज़ाइन को आप देखेंगे तो सेम वैसे के वैसे ही, थोड़ा सा कोना दिखता है। चलिए आगे चलते हैं, और अभी हम उस घर के पास जा रहे हैं जो गुंजा का घर दिखाया गया फिल्म के अंदर, थोड़ा सा आगे है, हालांकि उसके अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, पहले ही अंकल ने मना कर दिया, लेकिन आपको बता देंगे कौन सा घर है, ये वाला घर है, ये वाला घर था ना गुंजा का, गुंजा घर यही तो था। और गुंजा की जब वो सिस्टर आती है ना बहन उनकी, तो गुंजा ऊपर यहाँ पे छत पे खड़ी रहती है, जो कहती है दीदी आ गई। देखो वो वाला पाइप दिख रहा होगा आपको स्क्रीनशॉट में, वो जो पाइप है ना अभी भी लगा हुआ है वैसे के वैसे। तो ये वाला गुंजा का घर था, आ जाओ। ये घर देखो कितना पुराना है यार, इसमें से लकड़ियां भी निकल चुकी हैं। इस गांव में पहले ऐसे ही घर थे जिन पे खपरेल लगी हुई थी, हालांकि देखो अभी तो पूरी चारों तरफ नए घर बन चुके हैं, उस टाइम पे बहुत ज्यादा पुराने घर थे, और इसीलिए फिल्म वालों ने इसी, ये क्या कर रही भैया, वो अपना ही बोल रही है कुछ, और इसीलिए फिल्म वालों ने इस गांव को चुना था फिल्म की शूटिंग के लिए। और कुछ आगे सीन लिए गए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। चंदन यहाँ पे वो जब मतलब गुंजा को ढूंढते हैं तब का सीन है यहाँ, आराम से, ये ज्यादा भौंक रहा है, अरे लोग पूरा मकान का है बेटा, ये वाली दीवार दिखती है अभी यही बची है यहाँ पे बाद बाकी, ये जो घर था ये नया बन चुका है, ये भी उस टाइम पे मिट्टी का मकान था। ये नहीं बोलने देगा, ये मना कर रहा है कि ना बोलो, अंकल जी का मकान था ना ये पहले, पुराना मकान था, अभी नया मकान बना हुआ है, पहले ये मिट्टी का था ना पूरा, पहले मिट्टी का था और सामने कुआं था, अच्छा उसके बाद बहुत थी है? उसके बाद अब ये मकान नया, अच्छा चंदन यहाँ से निकलते हुए, हाँ मतलब यही जैसे होली का वो हुआ, तो होली आपने भी खेली उसमें? नहीं हम नहीं थे, हम कलकत्ता रहते थे, अच्छा बाहर थे, होते यहाँ तो होली खेलते, उस दिन बताई बहुत जबरदस्त वाली होली हुई थी, जितना होली में भी नहीं होती है, ना 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 बहुत सारा गुलाल गया था उस टाइम पे। अंकल जी लेके आए हैं इस वाले मकान पे, तो इस वाले मकान का भी सीन था ना, ये तो सेम वैसे के वैसे ही है, वही डिजाइन बनी हुई है, तो गांव में सारे मकान नए बन गए, पहले तो ये खपरेल वाले मकान थे, उस टाइम पे गांव अच्छा लगता होगा मेरे साथ, तो खपरेल वाले मकान थे तो गांव बड़ी शांति रहती है, अभी खपरेल का मकान यही है गांव, बस और सभी का पक्का। और उस टाइम पे एक चौक दिखाया था गांव के अंदर, हाँ वो उधर था जहाँ होली का प्रोग्राम हुआ था, जहाँ होली जलाई गई, वहाँ भी तो पक्का, वहाँ तो टोटल मकान यही थे, अब पूरा पक्का हो गया, हम उधर से ही आए हैं। ये मकान एक बना हुआ है सेम वैसे, ये अभी एक ये बना हुआ है, एक वो गुंजा का घर दिखाया गया था वो अभी है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है सामने, सामने का परिवर्तन, लेकिन वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं की, उन्होंने कहा उधर नहीं बनाने देंगे, उधर मालूम नहीं क्या, हमने कहा नहीं बनाने दो, कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं गाँव में, सभी तो दस उंगली है ना, एक बराबर तो नहीं है, हाँ वो तो है, कुछ गांव में होते हैं कि जो कि उनके अंदर दूसरी भावना पैदा होती है, इस गांव के ज्यादातर लोग बाहर ही रहते हैं, हाँ, जैसे ही पूछ रहे हैं सब बाहर ही हैं, कि बेरोजगारी ज्यादा है, खेती कम है, खेती जो है यहाँ पर, हम राजपूत, हाँ पूरे गांव ही राजपूतों का, राजपूतों का ही गांव है, लेकिन खेत किसी के पास दो बीघा है, किसी तीन, किसी के पास। अंकल जी ने जैसे हमें बताया था ना कि जब नदिया के पार फिल्म बनी थी, तो उस समय राजश्री प्रोडक्शन में जो मैनेजर थे ना, वो राम जनक सिंह जी थे, उनका ये घर है, इसी गांव के थे वो, हालांकि काफी लंबा घर बना हुआ है, उधर से हम आए निकलते हुए, और मुख्य कारण यही था जिस वजह से फिल्म की शूटिंग इस गाँव में हुई थी, क्योंकि यूनिट को वही लेके आए थे यहाँ पे। वैसे तो हमने सुना था कि इस फिल्म की शूटिंग पहले बिहार में होने वाली थी, क्योंकि भोजपुरी लैंग्वेज भी है ना इस फिल्म के अंदर, तो उस हिसाब से बताई पहले कि बिहार में इसकी शूटिंग होने वाली थी,
अभी हम उस कुएं के पास पहुंचे हैं जहां पे फिल्म की शुरुआत में मतलब एक बाल्टी गिर जाती है कुएं के अंदर, जिसमें फिर चंदन को बुलाया जाता है बाल्टी निकालने के लिए। तो यही वो कुआं है इसके, ये आप देख सकते हैं ये वाले इस डिजाइन को। और बात करें नीचे का, एक से नीचे से भी लिया गया है, जिसमें देखो ये वाली जो ईंट है ना, ये निकली हुई ये दिखेंगी आपको, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी निकल जाएं इसके नीचे। हालांकि पानी नहीं है, लेकिन गहराई की बात करें तो 50 फुट से ज्यादा है, नीचे दिख रहा है हमें लेकिन गहराई बहुत है। अगर नीचे गए तो थम, ये कुआं था वो। और इसके पीछे देखो वो दिख रही होगी वहां पे जो घर था ना, जिसपे खपरेल पड़ी हुई थी, तो वो घर तो अभी है नहीं, क्योंकि हमने बताया था अंकल का घर था और यहीं पे वो सीन लिया गया था जब नाउन चाची मतलब बायना बांटती है यानी लड्डुओं को बांटती है, वो भी वहीं से सीन लिया गया था, उसमें भी पीछे का दिखाया गया था। तो अभी तो कुछ है नहीं। चलिए अभी शाम के 4:30 बजे है और हम अभी पहुंच चुके हैं उस घर में जहां पे जो फिल्म की यूनिट थी वो रुकी हुई थी। इस घर में फिल्म की सारी यूनिट रुकी हुई थी और फिल्म के अंदर इस घर का भी एक सीन लिया गया है जहां पे जो रूपा रहती है, जो मतलब चंदन से शादी करना चाहती है, वो इधर से निकलती हुई आती है इस साइड से, वहां से एक सीन लिया गया है। और नजदीक से दिखा देते हैं थोड़ा सा, यहां से एक सीन लिया गया है इसका, इस डिजाइन को आप देख सकते हैं, ये वाली जो डिजाइन है ना, इस डिजाइन को आप देख सकते हैं, ये खिड़की ऐसे ही दिखेगी। और फिर अगला सीन यहाँ से लिया जाता है जिसमें वो यहाँ से निकलती हुई जाती है, जिसमें ये पिलर दिखते हैं दोनों। और फिर जो चंदन के पिताजी रहते हैं और मिश्रा जी रहते हैं, यहाँ पे एक तख्त पड़ा हुआ रहता है, उस पर वो दोनों लोग बैठे होते हैं, तो वो वाला सीन यहाँ से लिया गया है। और अभी शाम हो गई है, हमने आज आपको नदिया के पार फिल्म जितनी भी लोकेशन थी इस गांव में ही ज्यादातर फिल्म की शूटिंग हुई है, तो वो आप लोग देख चुके हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।